गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास के विज्ञान विषय का सातवां पार्ट लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें आप देखोगे वीडियो लेक्चर नंबर आपके आज 9-8 वीडियो लेक्चर में आप अलग अलग पार्ट के रिलेटिव मैटर को आपने रिप्रेजेंट करके देखा और उसमें मैटर को आपने अपडेट भी किया होगा, समझा भी होगा। किसी भी प्रकार का कोई मैटर आपको समझ में आया हो तो डायरेक्ट मैटर आप डिस्कस भी कर सकते हो। आज अपना अपन जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत आपने जीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट को पहले आपने डिस्कस किया, प्रोटोकॉर्डेट को समझा और कॉर्डेट को, कॉर्डेट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। आज लास्ट अपना संघ है वो था आपके स्तनधारी मैमिलियन वर्ग। मैमिलियन वर्ग की क्या विशेषता होती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो अलग अलग संघ के अलग अलग प्राणी होते हैं, उनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उसके आधार पर उन जीवों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहा होता है। तो आज अपन देखते हैं मैमिलियन संघ का मतलब ये होता है जिसमें ऐसे जंतु होते हैं जो बच्चे को जन्म तो देते ही, साथ में बच्चों को जन्म देने के साथ साथ में वो क्या करते हैं, दूध पान करवाने के लिए उनमें दूध ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्तन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को, नवजात शिशु को पोषण के रूप में दूध प्रदान करते हैं और उसका विकास एवं वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो आप देखते हैं स्तनधारी प्राणियों की क्या क्या विशेषता होती है उसको अपन बेसिकली देखते हैं, एक एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए ये समतापी प्राणी होते हैं। समतापी का मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में चेंजेज नहीं होता है, वो कब वो बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी ऋतु। जैसे अपने शरीर की, मनुष्य शरीर की बात करें तो अपने शरीर का सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एनी टाइम सदा बार 37 डिग्री टेम्परेचर पे अपना शरीर बॉडी मेंटेन काम करते रहती, चाहे सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, परंतु आपके बॉडी के टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर आपके शरीर पर कई प्रकार के इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं ये समतापी प्राणी होते हैं। हृदय चार कक्ष में डिवाइडेड होता है, 2 आलिंग और 2 नीले पाए जाते हैं। सभी जंतु नवजात शिशु को जन्म देने का कार्य करते हैं। कब जनन? जब ये जनन क्रिया करते हैं और जनन क्रिया संपन्न होने के बाद में इनमें जनन का प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल होता है। जनन की तीन प्रोसेस आप देखते हैं, एक तो बाह्य जनन, एक कायिक जनन और एक अलैंगिक जनन, और एक लैंगिक जनन के अंतर्गत बाह्य और आंतरिक दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें जनन प्रोसेस होता है वो आंतरिक होता है। जनन प्रोसेस क्या होगा आंतरिक, जितने भी प्रकार के जीव जंतु उनमें जनन की क्रिया क्या और रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद में शिशु का विकास होता है वो गर्भाशय में संपन्न होता है। तो अपन देखते हैं ये जितने भी जंतु होते हैं वो जनन क्रिया के बाद में शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जरायु के नाम से जाना जाता है, और नवजात शिशु को पोषण के लिए दूध ग्रंथियां विकसित करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, शिशु जन्मने के बाद में उनमें दूध ग्रंथि अपने आप क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, और दूध ग्रंथियों के माध्यम से नवजात शिशु को खीस के रूप में या विशेष विटामिन युक्त प्रतिरोधकता युक्त विशेष पोषक के रूप में इनको मिलता है खीस, जो शुरुआती महीने 2 महीने के लिए जो माँ द्वारा शिशु को दूध पान करवाया जाता है वो क्या होता है, शिशु के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही सब कुछ उसमें सारे पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। इनकी तवसा पर बाल सफेद तथा तेज ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी बॉडी पे आप देखते हो तो पूरे शरीर पे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं तथा सफेद ग्रंथियाँ तथा तेज ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सफेद ग्रंथियाँ मतलब संवेदनात्मक विशेष प्रकार कई प्रकार के ऐसे संवेदनशील पदार्थों को न्यूट्रलाइज करने में भी सहायक होती है, और तेल ग्रंथियाँ जिससे आपका सहरा वगैरह क्या होता है, सिकनेस झकास बना रहता है, ऐसी की भी ग्रंथियाँ आपके शरीर में देखने को मिलती है। अब फलस्वरूप देखते हैं स्तनधारी प्राणियों में सारे जंतु जरायुज होते हैं, परंतु कुछ अपवाद हर चीज में आप देखते हो, तो इसमें इकाइडेना तथा प्लेटेनस ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जो जंतु अंडे उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। नवजात शिशु को उत्पन्न नहीं करके क्या देते हैं, ये अंडा देते हैं और फिर बाद में अंडे को धीरे धीरे डेवलपमेंट करके बड़ा करते हैं। और दूसरा एक अपवाद देख रहे हैं कंगारू।
कंगारू अविकसित बच्चे को जन्म दे देता है और फिर बाद में मार्सुपियम थैली में लटकाए हुए काफ़ी टाइम तक घूमता रहता है जब तक वो शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वहाँ तक वो क्या अपने शिशु को लेके घूमता रहता है। इसमें ऐसे गुणधर्म देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत देखें स्तनधारियों प्राणी उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जितने भी आपको दिमाग में बहुत सारे इसके अंतर्गत मेंशन होते हैं, जो जिससे आपके दूध प्राप्त होता है और जो बच्चे को जन्म लेते हैं वो सारे स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, शेर, बाघ, गधा, बंदर, ऊँट, कुत्ता, बिल्ली, सारे जितने भी पता है उतने क्या कम। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन हाथी का किया, किसका हाथी का डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके आपको बताया हाथी भी एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है। क्या है हाथी भी एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है, एलिफेंट। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कई प्राणियों की अलग अलग क्या होती है, विशेषता होती है और उसके आधार पर वातावरण में क्या करते हैं अलग से अपना गुणधर्मों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में अपन पढ़ने जाएंगे वो आपके नामकरण की पद्धति। नामकरण सभी जीव अलग अलग कैटेगरी में होते हैं तो उनको किस प्रकार से नामकरण देना रहा उसको अपन समझेंगे। तो स्तनधारी प्राणी संतापी होते हैं, हृदय शहर से होता है, सभी जंतु नवजात शिशु को जन्म देते हैं और शिशु को पोषण के लिए दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनकी तरसा पर बहाल या सफेद तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अपवाद स्वरूप अंडज जंतु भी होते हैं, इकेडाइना तथा प्लेटस प्लेटिपस कंगारू अविकसित शिशु को जन्म देते हैं जो थैली में लटका है वो घूमते रहते हैं और उदाहरण बहुत सारे। इस प्रकार से आपने स्तनधारी प्राणी पढ़ा तो ये हुआ आपके जंतुओं का वर्गीकरण का प्रोसेस पूरा। अब अपन देखते हैं नामकरण का प्रोसेस क्या है और क्यों देना पड़ रहा है, किसने दिया उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा। देखिए आप देख रहे हैं नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति का क्या महत्व है, क्यों इसको अपनाना पड़ा। तो अपन देखते हैं जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, जो वातावरण के अनुकूल अलग अलग स्थान पर जीव अलग अलग प्रकार से रहते हैं और उनको अलग अलग नाम से, एक ही जीव और उनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तब हम क्या करते हैं कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जीव की बात की जा रही है। तो ऐसे वस्तु एक ही परंतु उसको अलग अलग स्थानों से अलग अलग नाम से जाना जाने की वजह से उसमें पब्लिक में क्या होता है कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है और भ्रम उत्पन्न हो जाता है कैसे होगी। तो उस चीज की उस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रकार की विशेष प्रकार की नई तकनीक की खोजी जिसको हम नामकरण पद्धति के अंतर्गत इसलिए करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे पाया जाने वाला हिरण, हिरण का यहाँ पे हम हिरण कहते हैं, कहीं पर किस नाम से जाना जाता है, आउट ऑफ वर्ल्ड में जाओ डियर वियर या अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम ऐसा कौन सा कॉमन नाम है जिसके आधार पर वैज्ञानिक नामकरण के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में उस नाम से पहचान हो जाती है कि ये शरीर ये उस प्राणी का नाम है और उसकी ये विशेषता हो सकती है। तो उसको जनरेट करने के लिए इस प्रकार की पद्धति अपनाना अनिवार्य हो जाता है। तब देखते हैं नामकरण पद्धति के अंतर्गत द्विनाम पद्धति एक विशेष इंपॉर्टेंट पद्धति थी। पहले तो अलग अलग कैटेगरी बांटा, क्षेत्रफल के आधार पर बांटा, खोजकर्ता के आधार पर बांटा, फिर बाद में लास्ट में आके एक नया विशेष के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई किया गया कि नामकरण पद्धति में द्विनाम पद्धति को प्रायोरिटी दी जानी उचित माना जाता है। द्विनाम पद्धति क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसके अंतर्गत क्या लक्षण होते हैं, एक एक चीज को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए नामकरण पद्धति में द्विनाम पद्धति की खोजकर्ता आपके बताया जा रहा कैरोलिनस लिनियस नामक के वैज्ञानिक, कैरोलिनस लिनियस नामक के वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति की खोज की जो नामकरण के लिए इम्पोर्टेंट बताई जा रही है। कैरोलिनस लिनियस ने सिस्टम ऑफ नेचर नामक की एक पुस्तक लिखी जो पूरे पूरे सजीवों के नामकरण की व्याख्या करने का विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने का कार्य भी करती है। दिमाग बात रहेगी। अगला बिंदु नामकरण पद्धति
प्रणाली जीवों की एक दूसरे जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता एवं समानता पर भी निर्भर करती है कि कौन से कैटेगरी कौन से जीव समानता ले रखे हैं और क्या क्या उसमें विभिन्नता भी है, तो उन सभी चीज़ों की व्याख्या एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए नामकरण के अंतर्गत जीवों को रखा गया है। चाहे आपके यहाँ पे पाई जाने वाला बिल्ली राजस्थान में मरुस्थल में हो, चाहे रेगिस्तान के अतिरिक्त कहीं पर भी बर्फीले इलाका में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं पर भी हो, उस बिल्ली का नाम का एक कॉमन नाम दे दिया तो पूरे वर्ल्ड में उस नाम से जानी जाती है। तो आप देखते हैं नामकरण देना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय इफेक्ट की वजह से लोगों में पब्लिक में कई प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए नामकरण अपनाना आवश्यक बताया गया। वर्गीकरण के बाद में नामकरण भी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। ये पद्धति वर्गीकरण के सभी पदों को व्याख्या करना नेसेसरी नहीं है, व्याख्या नहीं करती, केवल जीनस और जाति की व्याख्या करने में सक्षम होती है। आप देखते हो पदानुक्रम वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार के जगत, संघ, कुल, वंश, कई प्रकार के गण, ऑर्डर, ऐसे कई प्रकार के आपने देखे थे, तो सभी को इस पद्धति के अंतर्गत समझाना कोई नेसेसरी नहीं है, परंतु ओनली फॉर ये पद्धति ये बताती कि जो जंतु है वो किस वर्ग का है या सॉरी किस जीन का है और उसकी जाति क्या है, उसकी व्याख्या करने में क्या होती है, सक्षम होती है और इस प्रकार से व्याख्या करके बताती है कि ये जंतु इस कैटेगरी का है और इसके ये लक्षण हो सकते हैं और इसका नामकरण करते हैं, तो ये पीछे वर्ड जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो वर्गीकरण में सारे पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, परंतु नामकरण उसका नाम देना जाति का, तो ओनली फॉर सजीव का नाम देना, दो ही वर्ड आपको दिमाग में रखना, जीनस उसका कौन सा है और जाति क्या है, उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बाकी जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जाति और वंश की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आता है, बाकी वैसे वर्गीकरण देखें तो कॉर्डेट पहले आएगा, जीव जगत, फिर बाद में कॉर्डेट वर्टिब्रेटा, फिर बाद में उसमें अलग अलग प्रकार के मैमेलियन, कई प्रकार के इरिडेंस, कई प्रकार के फ्लो करते हुए मनुष्य लास्ट में जाकर देखने मिलता है, होमो उसका जीनस है और सेपियंस उसकी क्या है, जाति। तो इस प्रकार से अपन व्याख्या करते हैं। देखिए नामकरण करने के लिए द्विनाम पद्धति के कुछ स्टेप दे रखे हैं, उसको अपन फॉलो करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए आगे अपन देख रहे हैं नामकरण करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं, उसको एक एक चीज को अपन देख रहे हैं। तो नामकरण करने के भी स्टेप है, तो उसमें पहला बिंदु दे रखा है वंश या जीन का नाम अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में अपन लिखते हैं। अंग्रेजी माला के वर्णमाला में क्या लिखेंगे, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। छुपे हुए वैज्ञानिक का किसी प्रिंटेड मान लो वैज्ञानिक का नाम है तो उसका नाम अपन इटैलिक भाषा में लिखते हैं, इटैलिक भाषा होती है ना मतलब कर्सिव राइटिंग के समान, उस राइट में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जीनस वो जाति दोनों को क्या किया जाता है, रेखांकित करके प्रदर्शित किया जाता है ये इस जाति के या इस प्राणी का ये नाम है। तो इस प्रकार से अपन नामकरण के मुख्य बिंदु अपन डिस्कस करते हैं और ये पॉइंट अलग अलग किस प्रकार से है तो उसको समझिए, एक दो उदाहरण आपको देकर समझाते हैं। इस प्रकार से था आपका पाठ कौन सा, सातवां पाठ जीवों में विविधता किस प्रकार से ले रखी है, बड़ा पाठ व्यवस्थित पाठ और शानदार सुपर पाठ है और व्यवस्थित रूप से इसको समझना, जितने भी वीडियो लेक्चर रिलीज हुए हैं उसको एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझने का प्रयास करते रहना। देखिए अब एक दो उदाहरण देके आपको समझाते हैं, जैसे मनुष्य का नाम का वैज्ञानिक नाम क्या है, किस आधार पर दे रखा है, हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऐसे तीन चार अपन नामकरण डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में आगे आठवां पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। देखिए आगे आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पेश किए जा रहे हैं जिनका वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जानते हो आगे वाला वर्ड है वो तो क्या आपके वंश जीनस, ये क्या आपके वंश, और पीछे वाला वर्ड आप क्या रखा है, ये आपकी जाति और जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे मनुष्य की बात की जा रही, मनुष्य का वंश है होमो और सेपियंस उसकी क्या है, प्रजाति है। हिरण का गजेला गजेला जाति और पर्वत दोनों ये की कोबरासा नाजा नाजा, मेढक राना उसका वंश है और टिग्रेना उसकी क्या प्रजाति है।
मोर पेपोरस इंडिकन, इंडिकन उसकी प्रजाति और पेपोरस उसका वंशज है। और रिजगा, जैसे रिजगा उसका होते हैं मटर वटर, तो उसके रूप में उसमें राइजोबियम क्वालिटी वंशज है और मोलिटी उसका क्या है प्रजाति के रूप में उसको जाना जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग जंतु अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है कि उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कई प्रकार के ऐसे आपके आसपास जंतु होते हैं जिनका वैज्ञानिक नाम वैसे आप देखोगे 10वीं क्लास में या फिर 12वीं क्लास में आप आओगे तब वहाँ पे पूरी पूरी वर्गीकरण का पूरा पूरा टॉपिक है और जीव जंतुओं का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसको आप विस्तार रूप से अगले अध्याय में आप डिस्कस करोगे। जैसे आपके स्टैंडर्ड आपका स्टैंड बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगी आगे, तो आगे वाली क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया है सातवां पार्ट जीवों में विविधता क्या होती है, किस प्रकार से होती है, किन कारणों से उत्पन्न होती है, क्या उसके गुणधर्म है, तो सारे सारे एक एक चीज़ को आपने डिस्कस करके विस्तार रूप से समझा। ये था आपका सातवां पार्ट। अगला पार्ट आप पढ़ोगे वो आठवां पार्ट आपके फिजिक्स के रिलेटेड दे रखा है, वो उसमें आप देखोगे गति क्या होती है, बल क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उस चीज़ को आप विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा। पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बने रहे, घर पे बैठ के अपना काम करते रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई टॉपिक आपको समझने में अनकम्फर्टेबल महसूस होता हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको उसके समस्या का समाधान करें और जितना मैटर पढ़ाया जा रहा है उसका घर बैठ के व्यवस्थित नोट बनाओगे और घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।